हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले समय में एनटीए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस दोनों मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। सारे क्वेश्चंस आप अटेंड करिएगा और आप जो भी स्कोर गेट करते हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर ऑल द डेली वीडियो अपडेट्स। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज कंसिडर्ड इनइक्वालिटी एज नेचुरल, किसने असमानता को प्राकृतिक माना है। ऑप्शंस देखिए, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, रूसो, बताइए। देखिए वीडियो को पॉज किया करिए और सारे आंसर्स आप लिखा करिए और लास्ट में आप इससे पता आपको लग जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट आंसर किए हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करा करिए और आंसर्स लिखा करिए। अब इसका आंसर क्या होगा बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एरिस्टोटल ने असमानता को प्राकृतिक माना था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा था कि यह प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठ अधीनों पर शासन करेंगे, यानी एक मास्टर होगा और एक स्लेव होगा, ये प्रकृति का नियम है, ये नेचुरली डिसाइड होकर आया है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मास्टर हैं वो अपने शासन के कार्य कर सकें, वो अपना गवर्नमेंट वर्क कर सकें, अपना उनका जो भी वर्क है वो कर सकें, वो अपनी बुद्धि एक अच्छे वर्क के लिए लगाएं इंस्टेड ऑफ कि वो नीचे का काम करें। ये काम स्लेव्स के लिए बने हैं, दास के लिए, कि वो अपने मालिक के साथ रहे, उनका सारा काम करे, और इसके साथ उसका भी फायदा होगा, इससे स्लेव का भी नैतिक विकास संभव हो सकता है। ये विचार एरिस्टोटल जी के थे। आपको इसका आंसर मिल गया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हुम सोशल जस्टिस इज मिराज, हिंदी में जिसके अनुसार सामाजिक न्याय मृग मरीचिका है। बताइए किसके अनुसार है, फ्रीडम, हेक, बाकर या रॉबर्ट नॉजिक। बताइए किसने सामाजिक न्याय को मृग मरीचिका कहा था, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है हेक। हेक जी का मानना था कि सामाजिक न्याय एक मिराज की तरह है, ये सिर्फ भ्रम है। जैसे मिराज में क्या होता है कि हमें दूर से रेत पर पानी दिखता है पर पास जाने पर वहाँ पानी नहीं होता, वैसे ही सामाजिक न्याय भी एक भ्रम है, ये कभी स्थापित ही नहीं हो सकता, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि किसी स्टेट या किसी सोसाइटी में सोशल जस्टिस हो सके। और ये थॉट्स किसके हैं, हेक जी के हैं। अब इनकी बुक देख लीजिए, टू इम्पॉर्टेंट बुक है, द रोड टू सर्फडम 1944 में पब्लिश हुई थी और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में पब्लिश हुई थी। आपको इसका आंसर मिल गया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, लॉक लेट डाउन दैट स्टेट इज, लॉक ने बताया कि राज्य है, एन एंड इन इटसेल्फ, अपने आप में एक अंत, मीन्स टू एन एंड, साधनों को विराम है, यह अनअवॉइडेबल इविल है, अकारण बुराई है, ये लीगल नेसेसिटी, कानूनी आवश्यकता है। बताइए जॉन लॉक जी का राज्य के बारे में क्या विचार था, उन्होंने स्टेट को क्या कहा था। बताइए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे पहले भी कई लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, लॉक ने स्टेट को अनअवॉइडेबल इविल कहा था कि ये बुराई है पर हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। और लॉक जी ही थे जिन्होंने सबसे पहले थ्री नेचुरल राइट्स की बात की थी, प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी, कि राज्य में जो प्राकृतिक अधिकार हों वो लोगों के पास हों, वो संप्रभु को ना दिए जाएं। अगर कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौता हो रहा है जैसे कि प्रीवियसली हॉब्स जी ने किया था, तो उन्होंने तो कोई राइट दिया नहीं था स्टेट की पब्लिक को, पर लॉक जी ने ये कहा था कि अगर स्टेट में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब भी कोई अपना प्राकृतिक अधिकार उनको नहीं सौंपेगा। अब नेचुरल राइट्स लॉक की क्या क्या थी ये भी आपको बताना चाहिए, लाइफ है, लिबर्टी है और प्रॉपर्टी।
इन्होंने ये तीन चीज़ें नेचुरल राइट्स में रखी थी कि जो कि हम स्टेट को नहीं दे सकते। कोई भी इंसान अगर समझौते में शामिल है तब भी वो अपने इन तीन अधिकारों को प्राकृतिक मानते हुए राज्य को नहीं सौंपेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, द स्टेट इज एसेंशियल गुडनेस अकॉर्डिंग टू ग्रीन। हिंदी में है ग्रीन के लिए राज्य आवश्यक अच्छाई है। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू ग्रीन स्टेट्स आर कंसिडर्ड टू बी हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ग्रीन राज्य को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक मानते हैं। अब बताइए केवल पहला स्टेटमेंट सही है या केवल दूसरा सही है या दोनों ही स्टेटमेंट सही है या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर आपने ग्रीन जी के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए क्या है, द स्टेट इज एसेंशियल गुडनेस अकॉर्डिंग टू ग्रीन। ग्रीन के लिए राज्य आवश्यक अच्छाई है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ग्रीन ने ये बात कही थी। ग्रीन जी का मानना था कि व्यक्ति को बाध्यकारी रूप में नैतिक नहीं बनाया जा सकता, यानी उसको एक बांध करके, अगर हमें लग रहा है कि हम किसी व्यक्ति को बांध करके उससे अपनी इच्छा पूरी करवा लेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। और राज्य ग्रीन जी के अकॉर्डिंग था कि ये होना ही चाहिए। और क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करता है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरह से उसका विकास हो इसमें राज्य बहुत हद तक सहायक होता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट ग्रीन ने दिए थे। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों ही कथन सही हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रोबेबली ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा, मोस्ट इजी। Will not power is the basis of the state. Who said this famous statement? Power की जगह पर एक स्टेटमेंट फोर्स भी कहीं कहीं मेंशन होता है। अब हिंदी में देख लीजिए, शक्ति नहीं इच्छा ही राज्य का आधार है, यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा? हीगल ने, विल किमलिका ने, ग्रीन ने या हॉकिंग ने? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विल नॉट पावर इज द बेसिस ऑफ स्टेट। ये बात भी ग्रीन जी ने ही कही थी। अब इन्होंने क्या कहा कि राज्य जो है वो व्यक्ति की इच्छा का बाह्य रूप है, ना कि कोई बाध्यकारी या दंडकारी संस्था है। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति का एक विल है वही है कि वो स्टेट में रहे। इंडिविजुअल खुद चाहता है, उसकी खुद की डिजायर है कि स्टेट हो जिससे कि वो मैक्सिमम हैप्पी रह सके, खुश रह सके। और इन्होंने एक बात और कही थी राज्य के बारे में कि राज्य दंड का इस्तेमाल कर सकता है। इन्होंने उसे सही ठहराया था लेकिन बिना वजह नहीं, किसी को सुधारने के लिए। ये ग्रीन जी के राज्य के बारे में विचार थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, The most important function of the welfare state is the creation of condition which ensured. हिंदी में कल्याणकारी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शर्त का निर्माण है जो सुनिश्चित करता है। सबसे मेन आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन है जो वेलफेयर स्टेट का फंक्शन है। फ्री इलेक्शन है, लिबर्टी, सोशल वेलफेयर या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? चुनाव कराना है या आज़ादी से है या सबके उदय से है या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी है? एक कल्याणकारी राज्य का क्या मोटिव होता है यहाँ पर आपको ये बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। कई लोग इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट गेट कर लिए होंगे अगर उन्होंने वेलफेयर स्टेट के बारे में पढ़ा होगा कि कल्याणकारी राज्य का यही मतलब है कि वहाँ पर सामाजिक लोगों में, यानी कि पूरे समाज में सबका अच्छा हो, सबको बराबर ट्रीट किया जाए, सबके साथ किसी के साथ भेदभाव ना हो। एक आप सर्वोदय का भी विचार ले सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट एक सबका वेलफेयर चाहता है, एक कलेक्टिव वेलफेयर हो। यही वेलफेयर स्टेट के एक मेन फंक्शन होता है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए सेवेंथ क्वेश्चन, राइट्स प्रॉपरली सो कॉल्ड आर द क्रिएचर्स ऑफ लॉ, दिस व्यू इज हेल्ड बाय। अधिकार तथा कथित रूप से कानून के प्राणी हैं किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, ये स्टेटमेंट आप बताइए कि किसने दिया है, टीएच ग्रीन ने, लास्की ने, ड्यूगिट ने या बेंथम ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बेंथम जी का ये स्टेटमेंट है कि राइट्स प्रॉपरली सो कॉल्ड आर द क्रिएचर्स ऑफ लॉ, यानी कि अधिकार और कानून एक दूसरे के कहीं ना कहीं साथ चलते हैं, पैरेलल हैं, और बेंथम जी ने सबसे पहले उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था और इन्होंने ही एक विमेन के क्या अधिकार होने चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी कैसे मिले, इन सारी बातों को बेंथम जी ने ही रखा था। अब राइट्स और लॉ के इनके क्या विचार थे, इनका मानना था कि अधिकार और कानून साथ पैदा होते हैं और साथ मरते हैं, यानी राइट्स एंड लॉ आर बॉर्न टुगेदर एंड डाई टुगेदर। जब कानून नहीं था तब कोई अधिकार नहीं थे, और जो एकदम रियल लॉ होता है, एक असली कानून जो होता है, वही एक असली अधिकार को जन्म देता है, यानी इन्होंने कहीं ना कहीं राइट्स और लॉ को एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही माना था कि जो राइट्स होते हैं उनको जो बनाता है वो लॉ ही बनाता है, लॉ मतलब यानी कानून ही अधिकार का निर्माण करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए एट्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हुम द लार्जेस्ट मीडियम लिमिटिंग फ्रीडम इज मेजॉरिटी सोसाइटी नॉट स्टेट और गवर्नमेंट। हिंदी में किसके अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। बेंथम के, हीगल के, जेएस मिल के या फिर ग्रीन के। बताइए इसका आंसर क्या होगा, किसने ये बात कही है कि स्वतंत्रता को सीमित बहुमत, जो बहुमत में समाज होता है वो करता है, राज्य या सरकार स्वतंत्रताओं को सीमित करने के पीछे जिम्मेदार नहीं होती। सबसे ज्यादा उसमें योगदान होता है कि जो वहां की मेजॉरिटी सोसाइटी होती है, बहुमत समाज। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जेएस मिल जी ने ही ये बात कही है। जेएस मिल जी का मानना था कि अगर फ्रीडम कम्युनिटी के लिए अच्छी है, क्योंकि कम्युनिटी के लिए इन्होंने माना कि स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, और एक व्यक्ति के विकास के लिए भी, यानी कि एक इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो उसके लिए भी इन्होंने लिबर्टी और फ्रीडम दोनों को ही बहुत इम्पॉर्टेंट माना था। अब यहाँ पर आपको पता चले जेएस मिल किस लिबर्टी को सपोर्ट करते थे, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये थ्योरी में आता है, पॉलिटिकल थ्योरी का ही ये पार्ट है, आपको बताना है। देखिए जेएस मिल नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे, ये चाहते थे कि वहां पर सबको अपने अकॉर्डिंग काम करने दिया जाए, राज्य का बहुत ज्यादा कोई हस्तक्षेप ना हो। अब इनका एक स्टेटमेंट भी था कि स्वतंत्रता वही है जहां पर कोई अवरोधक नहीं है, लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ये जेएस मिल जी का ही स्टेटमेंट था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाइन्थ क्वेश्चन, देखिए स्टेटमेंट है, रीजन है। अब स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले क्या है, स्पेंसर वॉज एन एडवोकेट ऑफ पॉजिटिव फ्रीडम, स्पेंसर सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे। अब रीजन क्या दिया है, पॉजिटिव फ्रीडम इज प्रो स्टेट इंटरवेंशन, सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के दखल की समर्थक है। बताइए स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है, और रीजन सही डिफाइन कर रहा है स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है पर रीजन सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट सही है रीजन गलत है, या फिर रीजन सही है स्टेटमेंट गलत है, दोनों स्टेटमेंट देख लीजिए। इसमें हर्बर्ट स्पेंसर जी के बारे में बात की गई है कि क्या वो सकारात्मक स्वतंत्रता के सपोर्टर थे, और पॉजिटिव फ्रीडम राज्य के दखल का समर्थक करती है।
देखिए स्टेटमेंट है कि स्पेंसर वॉज एन एडवोकेट ऑफ पॉजिटिव फ्रीडम। अगर आप स्पेंसर जी के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट गलत है, स्पेंसर नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे। इनका मानना ही था कि राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध है। अगर अपराध ही नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी, और राज्य ना हो यही ये चाहते थे ये कि राज्य इंटरफेयर ना करे किसी की लाइफ में। और वो इनका मानना था कि राज्य इसीलिए इंटरफेयर करता है क्योंकि अपराध है, तो साफ साफ बात है आप अपराध ही हटा दीजिए तो राज्य की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। और दूसरा रीजन में देखिए क्या है कि सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के दखल की समर्थन है। ये स्टेटमेंट सही है, रीजन सही दिया हुआ है, पर ये स्टेटमेंट को तो क्लैरिफाई कर नहीं रहा है क्योंकि स्पेंसर जी तो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे, नेगेटिव फ्रीडम। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीजन सही है पर स्टेटमेंट गलत है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हर्बर्ट स्पेंसर जी की एक बहुत फेमस बुक है, आपके एग्जाम में आ सकती है, मैन वर्सेस स्टेट, 1884 में ये बुक पब्लिश हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन, हु हैज स्टेटेड द 3 फॉर्म्स ऑफ फ्रीडम, सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। स्वतंत्रता के 3 रूपों, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता किसने बताए हैं, सेबाइन ने, बार्कर ने, लास्की ने या ग्रीन ने। ये 3 तरह की स्वतंत्रता, सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, किसने इन्हें क्लासिफाई किया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बार्कर जी ने लिबर्टी को 3 पार्ट्स में बताया था कि एक सिविल लिबर्टी होती है, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ऑथर और बुक्स, मैं हमेशा कहती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। माइलो वन डिलास की बुक बताइए, चार्ल्स टेलर की, बेटी फ्रिडमैन की, माइकल यंग की। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए अगर आपको अटेम्प्ट देना है अपकमिंग का तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि क्या होगा करेक्ट आंसर। बताइए ए बी सी डी को आप मैच कराइए और बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए एक एक करके देखते हैं। मिलोवन डिलास, आप बताइए इनकी कौन सी बुक है, इनकी बुक है द न्यू क्लास, इसका पूरा नाम है द न्यू क्लास एंड एनालिसिस ऑफ कम्युनिस्ट सिस्टम, कब पब्लिश हुई, 1957 में। फिर है चार्ल्स टेलर, इनकी बुक कौन सी है, इनकी बुक है सोर्स ऑफ द सेल्फ, 1989 में पब्लिश हुई। और इन्होंने ही एक बुक और लिखी है मल्टी कल्चरलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन। सी है बेटी फ्रिडमैन, आप बताइए इन दोनों में से कौन सी बुक बेटी फ्रिडमैन की है थर्ड और फोर्थ में से, इनकी बहुत फेमस बुक है ये द सेकेंड स्टेज। ये एक लेडी हैं, अमेरिकन फेमिनिस्ट राइटर थी। और इनकी एक और बुक है द फेमिनिस्टिक, जो आपके एग्जाम में एक पूछी जा चुकी है, 1963 में वो पब्लिश हुई थी। और सेकेंड स्टेज कब पब्लिश हुई, 1981 में। अब डी माइकल यंग, इनकी बुक है द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी, ये कब पब्लिश हुई, 1958 में। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का सेकेंड, देखिए 3 ऑप्शंस में है, बी का फर्स्ट, ये 2 ऑप्शन में है, फिर सी का फोर्थ और डी का थर्ड, यानी कि इसका देखिए कौन सा आंसर सही होगा, इसका इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 12th क्वेश्चन, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी वॉज रिटन बाय एस टी जोन्स, जी एस सेबाइन, गेटल या नन ऑफ दिस, बताइए अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी बुक किसने लिखी है,
ये बुक है जीएच सेबाइन की। इनका पूरा नाम जॉर्ज हॉलैंड सेबाइन, ये अमेरिका के हैं, और इन्होंने एक और बुक लिखी है द मॉडर्न आइडिया ऑफ द स्टेट, वो कब पब्लिश हुई थी 1919 में, और ये अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये कब पब्लिश हुई 1937 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट इज सेड बाय, राजनीति विज्ञान राज्य के साथ शुरू और समाप्त होता है, किसने कहा? पॉल जैक ने, स्टीफन लिकॉक ने, प्रोफेसर गार्नर ने या बारकर ने? बताइए। इसका आंसर तो आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस के इंट्रोडक्शन से ही ये स्टेटमेंट शुरू हो जाता है कि स्टेट का ओरिजिन जब आप पढ़ते हैं तब ये स्टेटमेंट आपको जरूर मिलेगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर गार्नर। ये अमेरिकन प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के थे और इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, राजनीति विज्ञान की शुरुआत और अंत दोनों ही राज्य पर ही होते हैं। ये जो आप पॉलिटिकल स्टडी को सिर्फ मानते थे कि केवल उसमें राज्य की ही स्टडी की जाती है, इन्होंने पॉलिटिकल बिहेवियर यानी राजनीति में व्यवहार, पॉलिटिकल एनालिसिस, इनकी स्टडी ये इंक्लूड नहीं करते थे। इनके लिए सिर्फ पॉलिटिकल स्टडी क्या है कि स्टेट की स्टडी ही पॉलिटिकल स्टडी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, और इनके सपोर्टर भी थे जिन्होंने सपोर्ट किया था कि हाँ स्टेट से ही पॉलिटिकल स्टडीज शुरू होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, वो थे गेटल जी और ब्लंटशिल जी, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन, लॉज इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज सेट बाय, कानून न्याय के प्रशासन में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और लागू सिद्धांतों का निकाय कहा जाता है? हॉलैंड ने कहा, ग्रीन ने, सालमन ने या नन ऑफ द अबव? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। किन्होंने लॉ की ये डेफिनेशन दी थी? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सालमन जी ने ही लॉ के बारे में ये बात कही थी। इनकी एक बहुत फेमस बुक भी है लॉ से रिलेटेड जिसका नाम है ज्यूरिसप्रूडेंस और द थ्योरी ऑफ द लॉ, 1902 में वो बुक पब्लिश हुई थी। इन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम, सालमन जी ने, इनका पूरा नाम देखिए सर जॉन सालमन, इन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम न्यूजीलैंड में बिताया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 15th क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट रूसो, कौन सा कथन रूसो के बारे में सही है? तीन स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि रूसो के बारे में कौन सी बात सही है। फर्स्ट है पॉलिटिकल फ्रीडम इज मेंट टू बी अ पार्ट ऑफ पब्लिक सॉवर्निटी, राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जनसंप्रभुता का एक अंश होना है। सेकेंड है रूसो सपोर्टेड नेगेटिव फ्रीडम, रूसो ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। थर्ड है ही वॉज सपोर्टर ऑफ वन मैन वन वोट, वह एक व्यक्ति एक मत के समर्थक थे। बताइए केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है रूसो जी के बारे में, या फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, या फिर सेकेंड एंड थर्ड सही है? तीन स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या रूसो जी ने ये बात कही थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंश होना है, और रूसो जी नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे, और इन्होंने ही वन मैन वन वोट की बात की थी? बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर क्या होगा ए बी सी में से। देखिए स्टेटमेंट वाइज हम इनको देखते हैं। सबसे पहले है पॉलिटिकल फ्रीडम इज मेंट टू बी अ पार्ट ऑफ पब्लिक सॉवर्निटी, ये बात रूसो जी ने की थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंश होना है। और सेकेंड स्टेटमेंट है रूसो सपोर्टेड नेगेटिव फ्रीडम, रूसो ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया, ये बात गलत है। रूसो जी पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे, उन्होंने नेगेटिव लिबर्टी की बात नहीं की थी। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है,
ही वॉज सपोर्टर ऑफ वन मैन वन वोट। अगर आपने रूसो के जी के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। क्या उन्होंने एक व्यक्ति एक मत की बात कहीं पर की थी? नहीं की थी, ये गलत है। अच्छा, किया किसने था, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। वन मैन वन वोट के समर्थक बेंथम जी थे। और कौन प्लूरल वोट की बात किया था कि एक आदमी को एक से ज्यादा बार वोट देना चाहिए? जेएस मिल जी ने, जॉन स्टुअर्ट मिल जी ने प्लूरल वोटिंग को सपोर्ट किया था, जबकि बेंथम जी ने वन मैन वन वोट को सपोर्ट किया था। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट, यानी कि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। आपको इसका आंसर मिल गया। देखिए, आज क्वेश्चन इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं लगा रहा है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चंस लगाइए, सारे क्वेश्चन आप लगाइए। एग्ज़ाम पास करने की कोई और स्ट्रेटजी नहीं होती, सिर्फ इतना है कि आप क्वेश्चन लगाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लगाएंगे, आपको मैक्सिमम आइडियाज़ आएंगे, नए नए चीज़ आप सीखेंगे। शायद आपने थ्योरी पढ़ने में जो बातें छोड़ दी थी, वो बात आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। इसलिए क्वेश्चंस आप लगाया करिए। और अगर आपको कोई डाउट है आज, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड को शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी के प्रीवियस वीडियोस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, इंटरनेशनल रिलेशंस के नहीं देखे हैं, तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, सारे क्वेश्चंस लगाइए और अपना स्कोर कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फॉर ऑल दी पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स, लगातार क्विजेस कराई जा रही हैं, इसलिए आप लगातार फॉलो करिए, सारे क्वेश्चंस लगाइए। और आप जो भी स्कोर गेट करिए उसे ज़रूर मेंशन करिए, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, इसलिए आप क्वेश्चन लगाया करिए। आप क्वेश्चन से नहीं भाग सकते, सिर्फ एक ही तरीका है कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फॉर ऑल दी डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियोज़। थैंक यू।